अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, तो उस रिकॉर्डिंग को, उस वीडियो को हम किस तरह एडिट कर सकते हैं, मतलब हमारी वो वीडियो अच्छी लगे। तो यहाँ पे आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन तो सबके पास होगी, अगर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विदाउट वाटरमार्क, तो उस पर क्लिक करके आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर आप जो भी एडिटिंग वगैरह करेंगे, कोई भी लोगो वगैरह वाटरमार्क आपको शो नहीं होगा। तो आपने जो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, वीडियो आपने क्रिएट करनी है, वो आपने मतलब क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने मीडिया ब्राउज़, ठीक है, इस पर क्लिक करके तो बैकग्राउंड जो उनसे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेने हैं गूगल क्रोम से, या फिर यहाँ पे जो काइन मास्टर के भी बैकग्राउंड होते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, तो कोई भी यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है, ये मैंने किया सिलेक्ट। तो ये बैकग्राउंड हम सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे ये देखें, आपको एक मीडिया ब्रोज, उसके बाद लेयर, वॉइस, तो ऑडियो, तो ये चार ऑप्शन मिलते हैं जिन पे हमने वर्क करना है। तो वॉइस अगर आप अपनी वॉइस ओवर करना चाहते हैं, ठीक है, वीडियो के दौरान, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कोई म्यूज़िक वगैरह, ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो लेयर है, ठीक है, इसको यहाँ पर आपने कर देना है इक्वल, तो इसको आपने इसको लंबा कर लेना है, इसको पकड़ कर जितनी आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है, ठीक है, आपने इसको उतना कर लेना है। तो जो मैं वीडियो एडिट करने वाला हूँ, वो वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 4 मिनट की है, तो इसको यहाँ पे मैं इसकी भी ड्यूरेशन जो उनसे 4 मिनट कर लेता हूँ। तो 4 मिनट करने के बाद अब इसके ऊपर हम जो उनसे हैं वीडियो एडिटिंग करेंगे, तो इसको यहाँ पे ओके करके, तो यहाँ पे ये देखें लेयर, तो लेयर पर आपने क्लिक करके, तो यहाँ पे मीडिया, तो मीडिया पे कर लेना है क्लिक। तो फिर जो वीडियो आपने वो रिकॉर्ड की है, ठीक है, अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग की है, तो वो यहाँ पे आपने कर लेनी है सिलेक्ट। तो ये जो वीडियो है, ठीक है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ से आपने कर देना है ओके। तो ये जो वीडियो है, ठीक है, इसको आपने कर लेना है सेट। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है, ठीक है, इसको साइड पर, या आपको शो हो रहा है यहाँ पर ब्लैक, ये आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी इसको कर लेते हैं क्रॉप। तो यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे कर लेना है क्रॉप जितना आप करना चाहें। तो ये देखें, ये हो गया क्रॉप। तो क्रॉप करने के बाद इसको आपने कर लेना है सेट। तो इस तरह इसको मैं मतलब कर लेता हूँ इसकी सेटिंग वगैरह। तो उसके बाद अब इस पर हम लगाएंगे मोबाइल कवर, मतलब तो लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे जाके जो आपने मोबाइल कवर डाउनलोड कर रखे हैं, तो उस फोल्डर में आपने चले जाना है। तो यहाँ पे एक ये मोबाइल कवर है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं इसके साथ एडजस्ट। तो यहाँ पे आपने देख लेना है किस तरह यहाँ पे सेट होता है। तो यहाँ पे इसकी आपने कर लेनी है सेटिंग, ठीक है। तो इस तरह ये देखें, इस तरह लगेगा कि आपकी जो एडिटिंग है, रिकॉर्डिंग है, वो बिल्कुल मोबाइल में हुई है। तो ये जो नीचे वाली लेयर है मोबाइल कवर वाली, तो इसको भी आपने उतनी ही ले जाना है जितनी आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है, ठीक है, या बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे इसको आपने ले जाना है उतना ही। तो इसको आप इस तरह भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो मैं तो इस तरह ही लेके जा रहा हूँ। वो ये जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है, ये विदाउट लोगो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखें आगे, तो इसको आपने यहाँ पे कर लेना है सेट। तो इसको जो सी 3 लेयर्स बन गई हैं, तो तीनों लेयर को आपने मतलब इक्वल करना है, कोई भी आगे पीछे ना हो। ये जो मोबाइल कवर है, इसको मतलब इक्वल कर लेना है। तो ये देखें मतलब होगी, तो ये मोबाइल कवर को और मतलब इधर कर लेना है, तो जो वीडियो आपकी चले एक साथ, तो ये देखें आपकी जो वीडियो इस तरह चलेगी। तो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो मैं थोड़ा कर लेता हूँ, डाउन कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये जो वीडियो है, तो इस तरह आपकी जो वीडियो है मोबाइल की में रिकॉर्ड की गई, वो इस तरह लगेगी, मतलब अच्छी लगेगी, ज़बरदस्त लगेगी कि वाकई ही मोबाइल में रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वॉइस का, तो यहाँ पे आप वॉइस पे क्लिक करके, स्टार्ट पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आप अपनी वॉइस मतलब कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वीडियो है, ठीक है, इसको यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, सेव टू गैलरी कर सकते हैं यूट्यूब, जहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर इसी प्रोजेक्ट को आप दोबारा एडिट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फुल HD मतलब जिस रेजोल्यूशन में आप इसको करना चाहें डाउनलोड, तो यहाँ पर कर सकते हैं।
तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। इसको मज़ीद आप एडिट करना चाहें तो आपको यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको क्लिक करके आप मज़ीद एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट पहले वाला सेव ही होगा। तो अपना जो लोगो वगैरह आप ऐड करना चाहें वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके, जहाँ भी आपका लोगो वगैरह पड़ा है वो आपने यहाँ पे कर लेना है सेट। तो यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है एक दरमियान वाला कैमरे वाला, तो आप अपना लाइव कैमरा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह आप बहुत ही अच्छे से मोबाइल की जो सी है वो एडिटिंग कर सकते हैं मोबाइल में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।